वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि आप देख पाएं हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, इन सब टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और हो सकता है ये वीडियोस आपके काम आए। आप यहां से इसे फ्री में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हम लोग डेल इंस्पायरॉन 15R5537 का जो है वो हम लोग कैसे स्क्रीन रिप्लेस करते हैं। तो ये वीडियो जो है मैंने अपने से नहीं बनाया है, मैंने शूट किया है। तो जैसा जैसा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ठीक उसी तरह करें और आप अपना जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बस छोटे छोटे दो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर आप यही काम मार्केट से कराने जाएँ तो आपको जो स्क्रीन का चार्ज है वो तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपको स्क्रीन बदलने का चार्ज भी अलग से देना पड़ता है, तो वो जो है आपका बच जाएगा। तो जैसा जैसा इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आप ठीक उसी तरह करें तो आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो आप खुद से घर में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को दो स्क्रू ड्राइवर लगेगा, छोटा छोटा, आप देख सकते हैं, एक प्लस है और एक माइनस। सबसे पहले अपना लैपटॉप जो है वो बंद कर लें और इसकी बैटरी जो है वो निकाल लें। अपना स्क्रू ड्राइवर ले करके यहाँ से जो इसकी कैप है वो यहाँ से निकाल लें इसकी। इसकी जो ये जो कवर है वो ईजिली ओपन हो जाएगी, बस एक तरफ से आपको थोड़ा जोर लगाना होगा, उसके बाद ये ईजिली ओपन हो जाएगी जैसे कि मोबाइल का कवर ओपन होता है। अब यहाँ से जो है हम लोगों को सारा नट्स खोलना होगा, तो एक एक करके यहाँ से नट सारा खोल लें। और नट खोलने के बाद ये जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा पूरी तरह से और इसको आराम से अपने कीबोर्ड पे रख लें और इसका जो जैक है पीछे से वो निकाल लें। ये हमारा जो है पुराना स्क्रीन है और अभी यहाँ पे नया स्क्रीन लगेगा। और इसे परचेज करते समय जो है आप इसकी मॉडल नंबर वो आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको जो है सेम टाइप की स्क्रीन मिल जाएगी और बस आपको गूगल पे जो है इसका मॉडल नंबर डालना है, ये स्क्रीन मिल जाएगा। अभी इसको अच्छे से यहाँ लगा दें, प्लग कर दें। और थोड़ा सा टेप लगा दे ताकि वो जो है वो खुले नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो स्क्रीन है उसे हम लोग कहीं पे बीच में प्रेस ना करें और इसकी जो कवर है उसे फिर से उसी तरह प्रेस करने से जैसे कि हम लोग मोबाइल का बैक कवर लॉक करते हैं उसी तरीके से इसे प्रेस करें तो ये जो है लॉक हो जाएगा। अभी जो इसका हिंज है उसका कवर है आप लगा लें यहाँ से और इसके बाद बैटरी को लगा दें।
अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन जो है वो चालू हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना जो है बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।